कुछ ऐसी बातें जो सच में ही आपको हिला देंगी। लेकिन भाई साहब छोटी उम्र में इसने ये काम किया है। हम उनका आशीर्वाद दे रहे हैं और आप भी हिल जाओगे कसम से। भाई तुम्हारा नाम? मेरा नाम है मिस्टर सुदीप शुक्ला। कि ये घर से तो निकल गए हैं पर बिना घर वालों को बताए, यानी लेट के जा रहे हैं। और पूछता हूँ इनसे, भाई मिले हैं और ये हमारी सेवा पानी में लग गए हैं भाई। और बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि मेरे को नहाना था, इसी वजह से ये जगह चुनी मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू। हाँ जी दोस्तों, तो जय श्री राम, कैसे हैं आप सब। और मैं जा रहा हूँ इस वक्त हरिद्वार से अयोध्या राम मंदिर। मैं फिलहाल पहुँच चुका हूँ इस हाईवे पर और ये यहाँ से सीधा जा रहा है अयोध्या राम मंदिर। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तीन लड़के जा रहे थे, उनमें से एक बंदा, तो भाई साहब मैं तो हैरान रह गया बिल्कुल ही। मैं उससे मिलवाऊंगा आपको और कुछ ऐसी बातें जो सच में ही आपको हिला देंगी। और बहुत ही कम उम्र का है, छोटा है, लेकिन भाई साहब छोटी उम्र में इसने ये काम किया। इन्होंने तो हिला दिया सच में, और आप भी हिल जाओगे कसम से। भाई तुम्हारा नाम? मेरा नाम है मिस्टर सुदीप शुक्ला। मिस्टर सुदीप शुक्ला, तो भाई साहब फॉर्म में है। पूरी कहानी इनकी ये है कि ये घर से तो निकल गए हैं पर बिना घर वालों को बताए, यानी चुपचाप राम मंदिर जा रहे हैं, ऐसा ही है भाई कुछ? हम ऐसे ही निकल चुके हैं घर से, घर में कोई प्लान नहीं बना, हम सुबह उठे और 5 बजे चल दिए। अच्छा, सुबह 5 बजे निकल गए थे। रहने वाले कहाँ थे? रहने वाले हैं जिला बाराबंकी, देवीगंज चौराहा, पूरे भवन गाँव से जी। तो देख लिया भाई साहब घर वालों को बिना बताए, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, हमने एक बार बोला, फिर हमको आदेश नहीं मिला, फिर हम कहें सिया राम के लिए हम आदेश नहीं लेंगे। तो आपने सुनी लिया दोस्तों, श्री राम के लिए आदेश नहीं लेंगे, इन्होंने ठान लिया है तो अभी जाके रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो इन्होंने हमें चावल दिया है। भाई आप कहाँ से? मेरा नाम प्रसाद मिश्रा है, मैं यही बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के राम स्नेह घाट तहसील से हूँ। अच्छा, ये हम तीनों लोग, ये आप और ये सुदीप, हम लोग एक ही गांव से हैं। और हम लोगों का ये रहता है कि तीन लोग हम कहीं भी जाएंगे, अगर 2 किलोमीटर भी जाना है तो हम तीन साथ में जाएंगे। ये जोड़ी है, जोड़ी हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, घूमते टहलते हैं। अगर ये सिस्टम रहता है कि हम लोग, अगर एक दो लोग सो रहे हैं, जैसे हम देर से सोए और जल्दी उठना नहीं है, तो ये दोनों लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग अपना दिन का कोई काम कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया। की नवंबर में थी पर हम लोग सोचे कि अब की बार साइकिल से जाएंगे, तो हमारे यहाँ से करीब 80 से 90 किलोमीटर का पूरा ट्रेवल था ये। फिर हम लोग को परमिशन नहीं मिली, फिर मैं चला गया। उसके बाद कल अचानक से बात बन गई, फिर हम लोग ने साइकिल की व्यवस्था की। तो ये जो हमारे भाई साहब छोटे हैं सुदीप शुक्ला जी, इनके यहाँ से परमिशन नहीं मिली, तो ये रात में हम लोगों का प्लानिंग बना कि सुबह हम लोग 5-5 बजे निकलेंगे, तो ये रात में ही अपना बैग पैक करके इन शिवा भाई साहब के यहाँ पहुँचा दिए। और उसके बाद ये टहलते हुए अपने घर से निकले, फिर शिवा भाई ने इनके लिए एक साइकिल का प्रबंध कर दिया। तो हम लोग अब निकल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जब राम भगवान के देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं, उससे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे। बहुत बढ़िया बढ़िया। आश्रम हम लोग आते जाते रहते हैं और इनके जलाहली माता के यहाँ आश्रम है, इनका मंदिर बन रहा है। तो इत्तेफाक से हम लोगों का ये सिस्टम बन गया कि हम लोग की कोई 5 लोगों की प्लानिंग नहीं थी, पर यहाँ आके मिल रहे हैं, हो सकता है आगे भगवान और सबको मिला दे। अब हम लोग यहाँ से तो भाई मन से योगी जी से चाहे जैसे दर्शन करें, हम आशीर्वाद अपनी तरफ से देंगे, आपकी खुशी बरकरार रहे। धन्यवाद। और मोदी जी के खुशी बरकरार रहे, आगे तरक्की करें। जय श्री राम। तो दोस्तों ये थे कुछ राम मंदिर जाने वाले भक्तगण। और दिलचस्प बात, भाई साहब कसम से हिला देगी आपको। और मैं भी जा रहा हूं दोस्तों हरिद्वार से राम मंदिर अयोध्या साइकिल से। फिलहाल मेरे नॉन स्टॉप हूं दोस्तों, ये इमरजेंसी थी इसलिए रुकना पड़ा, वरना ये गाड़ी रुकेगी नहीं। और ये इमरजेंसी ब्रेक है, सिर्फ इमरजेंसी में ही। वृंदावन धाम आश्रम पूरे गोडियान। ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैं भी योगी जी से और मोदी से मिलना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसा इन्होंने बोला कि हमें जीत महसूस हुई है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनका आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे उनकी तरक्की हुए और आगे हमसे जौन हो सकेगा, हम लोग तन मन से धन मन से उनका आशीर्वाद दे। जय सीताराम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट जरूर करना।
और जय श्री राम जरूर लिखना। मिलते रहेंगे और शेयर करते रहना, सभी को दर्शन कराऊंगा। जय श्री राम दोस्तों। एक ये और मिले हैं मुझे, ये अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं और जय श्री राम। तो महाराज जी लेट लेट के जा रहे हैं और पूछता हूँ इनसे, ये एड्रेस है इनका, सुमेर बाबा, दयालु बाबा, माधोगंज हरदोई से, तो वहाँ से ऐसे ही आ रहे हैं, राम मंदिर जा रहे हैं। तो ये भी राम मंदिर जा रहे हैं और भाई मेरे पास तो शब्द नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नवंबर में तब चले थे आप? तो भैया नवंबर में दिवाली के टाइम पे चले थे, 2023 में, और आज जनवरी 2024 हो चुकी है, कब तक पहुंच जाएंगे? अब भैया देखो पहुंच पाओ भाई, अपने काम बताइए। चलो आप तो 5-6 दिन में ले ले आए, उनकी मर्जी कल ही ले ले बताओ। आप तो नज़दीक ही हैं, हमारे लिए तो अभी बहुत दूर है, हम क्यों कहें भाई नज़दीक है, पहुँच जाएँ तब नज़दीक है। अभी तो हम तो सफ़र कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सफ़र के लिए हमारे लिए नज़दीक नहीं, बहुत दूर है। नहीं 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 बिल्कुल, अब तो बस नज़दीक ही है, पहुँच गए बस आप बाबा जी। तो भाई प्लीज़ दोस्तों। हाँ जी, हम तो खुशी में जा रहे हैं ना? अच्छा, हम भी कहते थे कि हम कब पहुँच पाएंगे, अगर नहीं उनकी कृपा है तो हम भी देखो कौन हिसाब से जा रहे हैं। बिल्कुल, ये रामलला की खुशी में जा रहे हैं भाई। तो जय श्री राम दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंचने वाला हूं अयोध्या, और मैं जा रहा हूं हरिद्वार से अयोध्या राम की पौड़ी साइकिल के द्वारा, लेकिन यहां हमारे कुछ भाई मिले हैं और ये हमारी सेवा पानी में लग गए हैं भाई। ये भी हरिद्वार, कहाँ से जा रहे हैं आप? ये फिरोजाबाद से जा रहे हैं अयोध्या, और इनके नाम का भी मैं जय श्री राम जरूर बोलूँगा, और इनका घर परिवार भी बिल्कुल सुखी रहे, ऐसे भी मैं प्रभु से कामना करूँगा। और देखते रहना, जैसे जैसे लोग मेरे को मिलते चले गए मैं आपको दिखाता चला गया। वीडियो को शेयर करते चले जाना, सभी को दर्शन होंगे, और जो 18 तारीख से पहले आएगा उसको दर्शन ज़रूर होंगे। दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ड घुमक्कड़ में। मैं हूँ इस वक्त अयोध्या से पहले ही 10-11 किलोमीटर, और यहाँ पर एक रूम है होटल में, पैराडाइज नाम से होटल है, और एक ही अलमारी है इसमें। एक ही चेयर, एक ही टेबल सदी हुई है, और एक ही ये बेड है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, एलईडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये है कि टेम्परेरी, अगर देखिए गर्म पानी वगैरह सब आता है वैसे तो, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। और बस ये है कि दोस्तों, लेकिन अगर बाय चांस बाय रात आप फंस जाते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। 1000 रुपये में मेरे को ये रूम मिला, लेकिन 1% के लिए। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना यदि आप यहाँ आए हैं, और कमेंट ज़रूर करना यार, जय श्री राम लिखना कमेंट में। मैं यहाँ पर साइकिल से आया था और बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि मेरे को नहाना था, इसी वजह से ये जगह चुनी मैंने।